हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें मैं वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्राइडे का ये उपाय मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए। मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का अचूक उपाय जानने के लिए प्रोग्राम के आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, तारीख है 31 अगस्त 2018। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में और अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। योग वृद्धि बन रहा है, करण रहेगा कौलव, राहु काल रहेगा सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:21 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर को 1:21 से लेकर शाम 3 बजे तक। तो चलिए मैं आपको एक दिन पहले ये बताने जा रहा हूं कि आने वाले कल में आपको क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। राशि नंबर 1 एरीज। मेष राशि वाले जान लीजिए आपको क्या करना है। चावल पर सिंदूर लगाकर तिजोरी में रखना है, बड़ा सिंपल सा। मेष राशि वालों क्या नहीं करना है? किसी से मतभेद नहीं रखना। बात करेंगे राशि नंबर 2 टॉरस की। वृष राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। मस्तक पर लाल गुलाल से आपको तिलक करना है। वृष राशि वालों जान लीजिए आपको क्या नहीं करना। पर्सनल मैटर में किसी बाहरी को दखल नहीं देने देना है। बात करेंगे तीसरी राशि जेमिनी। मिथुन राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। पेपर पर रेड पेन से लाल पेन से श्रीम लिखकर आपको सिरहाने रख लेना। मिथुन राशि वालों क्या नहीं करना आपको ये जानना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है आपको। बात करेंगे चौथी राशि कैंसर की। कर्क राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। 5 रुपए के सिक्के पर इत्र लगाना है और उसको पर्स पर रखना है। कर्क राशि वालों ये जान लीजिए आपको क्या नहीं करना। मन में कोई उलझन नहीं रखनी है। बात करेंगे पांचवी राशि लियो की। सिंह राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना। मौली पर परफ्यूम लगाकर आपको कलाई पर बांधना है। सिंह राशि वालों ये जान लीजिए आपको क्या नहीं करना। दिल की बात दिल में नहीं रखनी है आपको, कह देना है जो भी है मन में। बात करेंगे छठी राशि वर्गों की। कन्या राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। लक्ष्मी मंदिर में गुड़ और मिश्री चढ़ानी है। कन्या राशि वालों ये भी जान लीजिए आपको क्या नहीं करना। दूसरों के मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरफेरेंस नहीं करना। तो अब एक स्पेशल सूचना आपके लिए फ्रेंड्स, कुंडली टीवी पर हमारा प्रोग्राम किस्मत जंक्शन जरूर देखें और जाने भाद्रपद नाग पंचमी पर काल सर्प दोष का होगा सुपड़ा साहब आपके जीवन से। और हाँ, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊंगा आपकी बेजान रूखी मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का अचूक उपाय। बात करेंगे सातवीं राशि लिब्रा की। तुला राशि वालों जान लीजिए आपको क्या। किसी हरे पेड़ के नीचे गाय के घी का गौघृत का दीपक जलाना। तुला राशि वालों क्या नहीं करना। आंखों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी आपको। यू नीड टू केयर ऑफ योर आईज प्रॉपरली। बात करेंगे आठवीं राशि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों क्या करना है जाने? किसी सुहागन को आपको शक्कर दान करनी है। वृश्चिक राशि वालों आपको क्या नहीं करना। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। बात करेंगे नवी राशि सजिटेरियस की। धनु राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। लाल फूल नाली में फेंक देना। धनु राशि वालों क्या नहीं करना है आपको। इजी मनी के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना। कुल मिलाकर कोई गलत तरीका इस्तेमाल ना करें धन कमाने के लिए। बात करेंगे दसवीं राशि केप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है।
किसी गरीब कन्या को क्रीम वाले बिस्कुट आपको दान करें। मकर राशि वालों जान लीजिए आपको क्या है। फाइनेंशियल मैटर में असावधानी नहीं बरतनी है आपको, पूरा अलर्टनेस में रहना है आपको। बात करेंगे 11वीं राशि अक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। पूजा घर में चंदन की 8 अगरबत्तियां जलानी है। कुंभ राशि वालों क्या नहीं करना है भी जान लीजिए। प्रयासों में कमी नहीं आने देना, पूरा दम से पूरी शिद्दत से आपको प्रयास जरूर करना है। बात करेंगे 12वीं राशि पाइसिस की। मीन राशि वालों जान लीजिए आपको क्या करना है। घर की उत्तर दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाना। मीन राशि वालों अब ये जान लीजिए आपको क्या नहीं करना है। लेन देन में ढील नहीं बरतनी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का अचूक उपाय, मैरिड लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का अचूक उपाय। तो क्या करना है अब ये जान लीजिए। मौली ले लीजिए और मौली पर 7 पान के पत्ते बांध लीजिए। हर पान के पत्ते पर चंदन से बीज लिखिए द्रीम, और इसके बाद मौली और पत्तों पर इत्र छिड़क लीजिए और शिवालय चले जाइए। शिवालय में जो मौली में बंधे हुए आपके पत्ते हैं उसको शिवलिंग पर बांधिए और उसका गठबंधन करवाइए गौरी पर बांधकर। गौरी से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक आपको एक मंत्र का जाप करना है इस प्रोसेस में, वो है ओम गौरी शंकराय नमः। इसका जाप करते रहिए। ये उपाय आप 7 शुक्रवार कर लीजिए, निश्चित ही आपकी बोरिंग मैरिड लाइफ में वापस रंग खिलेंगे, आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बनेगी। मैरिड कल क्या करें और क्या ना करें मैं बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जहाँ मैं आपको बताऊँगा आपको परसों क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए कमल नंदलाल आपसे इस उम्मीद के साथ इजाजत लेता है कि आपका आने वाला दिन कल से कुछ बेहतर हो। लेकिन एक खास बात और, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।